इंडिया में हर एक रिसर्च स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि उसे मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पीएचडी ऑफर मिले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, येल, हार्वर्ड। लेकिन इसको पाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। मैंने देखा है मेरे कुछ दोस्त जो डिपार्टमेंट के टॉपर रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सीजीपीए लाए हैं, लेकिन वो अभी भी या तो उन्हें कोई पीएचडी ऑफर नहीं मिला है या फिर बहुत ही कम पीएचडी ऑफर्स मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरे कुछ दोस्त जिन्हें मेल लिखना अच्छे से आता है, एसओपी बनाना अच्छे से आता है, कवर लेटर अच्छे से बनाते हैं, वो उनका नेटवर्क थोड़ा अच्छा है, उन्हें कुछ सीनियर्स ने गाइड कर दिया और आज वो 2 लाख, 3 लाख एंड इवन 4 लाख मेरे कुछ दोस्त तो मंथली के पैकेज में है, स्टाइपेंड में है, यूएस में पीएचडी कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दोस्त तो 1.2 लाख 1.5 लाख मंथली सेविंग्स कर रहे हैं अगर आप INR में कन्वर्ट करो उनके डॉलर स्टाइपेंड को। उनका कोई रिसर्च पब्लिकेशन भी नहीं था, उन्होंने मास्टर्स प्रोजेक्ट भी इतना खतरनाक नहीं किया था और उनका सीजीपीए भी एवरेज था, ना कि 9 या 10 था बल्कि 8.5 सीजीपीए पे उन्हें बहुत अच्छे ऑफर्स मिले। तो अब आप पूछोगे कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। द प्रॉब्लम इज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ना सिर्फ सीजीपीए। सीजीपीए तो एक बस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का काम करता है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपने मेल कैसे लिखा, क्या आपने जिस प्रोफेसर को मेल लिखा है उसका रिसर्च इंटरेस्ट और आपका रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन करता है, क्या आपने पहले से उस चीज में काम कर रखा है या नहीं। अगर नहीं भी कर रखा है तो आप मेल में कैसे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपने सीवी कैसे बनाई है, आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, रिसर्च के एकेडमिक्स के अलावा भी आपने क्या क्या चीजें कर रखी हैं जो आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखाती हैं, इसके अलावा आप एसओपी कितना अच्छा लिखते हो, कवर लेटर कितना अच्छा आपने लिखा है। इनफैक्ट ये पूरी प्रोसेस में आपने जो बेसिक लिस्ट बनाई है, बहुत सारे स्टूडेंट उसी में गड़बड़ी कर देते हैं, सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग में गूगल में आपको मिल जाते हैं उन्हीं के लिस्ट बना लेते हैं, उन्हीं में जाके हर डिपार्टमेंट में पहले एक एक प्रोफेसर को ढूंढते हैं, देखते हैं कि केमिस्ट्री में कौन सा प्रोफेसर था, सारे प्रोफेसर की लिस्ट बना लेते हैं। पहले तो लिस्ट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद आता है कि मेल लिखना है। जब मेल लिखने की बारी आती है तो सीवी बनाना होता है। एक सीवी को मैंने खुद किया था, मैंने 15 से 20 बार करेक्शन करवाए थे अपने खुद की सीवी को। पहले मैंने जब सीवी बनाई थी तो 4 पेज की थी, फिर मैंने उसको काट करके सिर्फ 2 पेज की, उसके बाद मुझे और सीनियर्स ने बोला कि इसको 1 पेज की सीवी बनाना है, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ काट पीट के फाइनली अपनी सीवी को 1 पेज के अंदर एकोमोडेट की। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी इस सीनियर से बात किए वो कुछ और बता देगा, दूसरा सीनियर कुछ और बता देगा, कोई ट्विटर पे जाके ढूंढने लगेंगे कि क्या किसी प्रोफेसर ने वैकेंसीज निकाली है अपने लैब ग्रुप में, कोई लिंक्डइन में जाके ढूंढने लगेगा, कोई फाइंड अ पीएचडी या फिर बाकी और वेबसाइट्स में ढूंढने लगेंगे। इस तरह आप बहुत ज़्यादा टाइम इनमें बिता देते हो, फिर आपका GRE या फिर TOEFL के एग्ज़ाम आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट TOEFL में शुरुआत में अच्छा नहीं कर पाते हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर इसके बाद भी बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं आपको खुद से ही सारा का सारा पीएचडी का एप्लीकेशन प्रोसेस, मेल कैसे लिखे, एसओपी कैसे बनाए, सीवी क्या है, हर एक चीज़ खुद से करना पड़ता है। एंड इसके कारण बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, एंड मैंने देखा है कि कुछ स्मार्ट लोग जिनका कोई पब्लिकेशन नहीं था वो भी आज बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ, बहुत अच्छे स्टाइपेंड के साथ पीएचडी बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। वही बाकी जगह टॉपर्स भी 1 साल गैप लेके फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो हम सायस्त्रा में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर ब्रिंगिंग पीएचडी अब्रॉड वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आपको 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके हीरो तक आपको पढ़ाया जाएगा। आपको लिटरली एक एक चीज़ बताई जाएगी, सीवी कैसे बनाए, एसओपी कैसे लिखे, मेल कैसे लिखे, आपकी जो पहली लिस्ट कैसे बनाए, कौन से टूल्स हैं, कौन से वेबसाइट्स हैं। आपको एक नेटवर्क मिलेगा मेंटर्स का जो खुद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, MIT, मैक्स प्लैंक, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पीएचडी कर रहे हैं। और यही नहीं, हर एक कंट्री एंड कॉन्टिनेंट के लिए अलग मेंटर्स मिलेंगे। हम पहले तो एक क्लास करवाएंगे जिसमें यूएस के मेंटर्स को लाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि यूएस की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फिर यूके की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फिर यूरोपियन यूनियन की क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। एंड इन सब के पहले हम आपके एक बेसिक ओवरव्यू कर देंगे, आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे, आपके लिए 1-to-1 क्लासेस भी हम अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सो ऑन। तो पूरा प्रोसेस जो आपका पीएचडी अब्रॉड एप्लीकेशन का है, हर एक चीज की गाइडेंस आपको इस वर्कशॉप में मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपको कंटेंट ऑफ द क्लासेस, ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस एंड टाइमिंग ऑफ द क्लासेस बता देता हूँ। सारे
क्लासेस दो दो घंटे के होंगे, टोटल 4 सेशंस होंगे दो दो घंटे के, यानी पूरा कंटेंट 8 घंटे के अंदर आपका कवर हो जाएगा। एंड पहली क्लास तो हम 14 नवंबर को करेंगे, लेकिन बाकी 3 क्लासेस सिर्फ वीकेंड में करेंगे, सैटरडे संडे में। टाइमिंग है 9:30 to 11:30 PM एवरी नाइट, यानी एवरी इवनिंग सिर्फ शाम को ही ये क्लासेस होंगी, क्योंकि ये मेंटर्स खुद US यूरोप में रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि दिन में वो कर पाएं, क्योंकि जब यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। नाउ कंटेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास में आपको ओरिएंटेशन होगा, डिस्कस किया जाएगा डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशंस इन US यूरोप, यूरोपियन यूनियन, आपकी CV कैसे बनाएं, आपको एक असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपकी स्टोरी जो है, आपकी रिसर्च प्रपोजल SOP वगैरह कैसे लिखें, आपकी स्टोरी कैसे आप सही तरीके से फ्रेम करो बताया जाएगा। सेकेंड क्लास में हम US एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि उनकी डेडलाइन 1 December तक आ जाती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की। पहले बताएंगे कि पूरी प्रोसेस क्या है, इवन ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर का भी कवर किया जाएगा, एंड रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखे, CV बनाएं एंड कवर लेटर बनाएं। थर्ड क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे UK एंड यूरोपियन यूनियन एप्लीकेशंस, CV मोटिफिकेशंस, कवर लेटर्स, प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स एज वेल एज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। एंड फाइनली फोर्थ क्लास में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा, मेंटर्स इधर बैठेंगे एंड आप इधर बैठेंगे, मॉक क्वेश्चंस होंगे, एंड जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे, ये भी बताया जाएगा, एक्स्ट्रा टिप्स दी जाएंगी कि कैसे आप लोकेशन, लैब एंड अपना PI को चूज करो, क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, फंडिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है इन वेरियस प्लेसेस एंड सो ऑन, ये सारे फैक्टर्स आपको बताए जाएंगे। टोटल 8 hours की ये क्लासेस होंगी, 4 classes जैसा कि मैंने बता दिया, और ये सारा कॉन्टेंट आपको दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मेंटर्स बताएंगे, जिन्होंने खुद ये एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करके ठोकर खा खा के वहाँ PhD हासिल किया है, आपको वो सारी गाइडेंस देंगे इन वर्कशॉप में। 8 घंटे का कंटेंट आपको सिर्फ 2999 में मिल जाएगा, एंड जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे बिफोर 10th of November तो आपको सिर्फ 1999 में वर्कशॉप मिल जाएगी। यही नहीं, हमारी क्लासेस 14 नवंबर से शुरू हो रही है, तो पहली क्लास तो 14 नवंबर को होगी, लेकिन बाकी सभी क्लासेस वीकेंड में होंगी, एंड टाइमिंग 9:30 to 11:30 PM एट नाइट, ताकि आप सभी का एकेडमिक्स जो है आइजर में डिस्टर्ब ना हो, आपके कॉलेज का एकेडमिक्स डिस्टर्ब ना हो। अगर और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट में बता देना। You can always message me personally in this Ayastra app. We will always answer you whether you take any course or not. ठीक है? With that, all the best. See you at your dream institute. Jai. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Ayastra और करिए अपने IIT and NEST का सपना साकार। Download the app now.